नमस्कार दोस्तों, इंफो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने चल रहे हैं दिसंबर के करंट अफेयर्स को। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में बहुत सारे पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया है, मैं यहाँ लिंक में दे दे रहा हूँ, आप यहाँ से वो वीडियो जो है देख लीजिए। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि पहला जो है पॉइंट देखते हैं कि भारत में दिसंबर माह के लिए यूएनएसडी की प्रेसिडेंसी ग्रहण की। अब यूएनएसडी क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब यहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो इसको जानते रहिएगा, ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। अब आगे देखते हैं, इससे पहले भारत ने अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की थी। भारत की अध्यक्षता में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? तो 14 दिसंबर को सुधारित बहुपक्षवाद, इस पे चर्चा होगी। 15 दिसंबर को आतंकवाद विरोधी मंत्री स्तरीय बैठकें आयोजित की जाएंगी, ठीक है, दोनों पे 14 और 15 दिसंबर को, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। और दोस्तों, जो है भारत के जो है अध्यक्षता में किन बातों पर जो है चर्चा की जाएगी? यूक्रेन के मुद्दे पर कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाएंगी। और संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। ये देखिए पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसे विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा किया जाएगा। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम जो है आप याद रखिए, एंटोनियो गुटेरेस हैं। आगे आइए और जो है पॉइंट पे देखते हैं कि और कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र परिषद के बारे में जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 15 सदस्य। और इसमें 5 अस्थाई सदस्य होते हैं, 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। तो अस्थाई सदस्य जो है कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, बदलता रहता है इनका जो है, विश्व के देशों में से इन जो है कुछ जो है देशों का जो है चुनाव किया जाता रहता है, ठीक है। अस्थाई सदस्य में कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, चीन है, यहां गलत लिख उठा गया है, ये चीन, इसके बाद फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है। अस्थाई सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो भारत 2021 और 22 के लिए चुना गया था, ठीक है, तो दिसंबर की ये अध्यक्षता कर रहा है एक मंथ के लिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत में एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा सुविधा लॉन्च की गई, यहां से देखते हैं 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत की गई है। तो इस पॉइंट को जो है याद रखिए, डीजी यात्रा सुविधा कब लॉन्च हुई? 1 दिसंबर को। किसने जो है लॉन्च किया? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका शुभारंभ किया। डीजी यात्रा सुविधा की मदद से पेपरलेस एंट्री की शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों, एयरपोर्ट पे जो है ये सुविधा लॉन्च की गई है। कहां पे? एयरपोर्ट पे, यानी कि एयरपोर्ट में जो दस्तावेज आप लेके जाते थे, अब बिना दस्तावेज के आप जो है एयरपोर्ट पर प्रवेश कर सकेंगे। इस सुविधा में यात्रियों को अपना, देखिए, आईडी कार्ड, क्या है? आईडी कार्ड है, बोर्डिंग पास है, इसको जो है ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब डीजी यात्रा क्या है? डीजी यात्रा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक टेक्नोलॉजी है, यानी कि FRT, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से एयरपोर्ट पर यात्रियों का निर्बाध और कॉन्टेक्टलेस पहचान को जो है पूरा किया जाएगा। तो आप डीजी यात्रा जो है जानते रहिए। और देखिए आगे जो है कह रहा है कि डीजी यात्रा को जो है पहले किन जो है एयरपोर्ट पर जो है प्रारंभ किया गया? 1 दिल्ली, बंगलुरु और वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी भी जो है इसमें शामिल है, बंगलुरु, ठीक है, कर्नाटका का, और इसके बाद दिल्ली। तो ये 3 एयरपोर्ट जो है पहले प्रारंभ में जो है शुरुआत किए गए हैं। और अगले फेज में देखिए हैदराबाद है, कोलकाता, और इसके बाद पुणे और विजयवाड़ा में इसकी शुरुआत की जाएगी। और धीरे धीरे करके जो है ये पूरे जो है देश में लागू किया जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अभी केवल जो है डोमेस्टिक फ्लाइट यानी कि जो घरेलू फ्लाइटें जो है उड़ान भरती हैं उन्हीं के लिए ये जो है व्यवस्था चालू की गई है डीजी यात्रा का। आगे जो है आते हैं दोस्तों, एम परमा शिवम को पीएनबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। डायरेक्टर जो है ठीक है एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में इनको जो है चुना गया है। नाम याद रखिएगा एम परमा शिवम को, ठीक है। इनकी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गई है। इनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2022 से जो है शुरू हुआ है। पीएनबी की स्थापना देख लेते हैं दोस्तों, ये पीएनबी जो है सेकंड नंबर पे इंडिया में लार्जेस्ट जो सरकारी स्वामित्व वाली बैंक है उसमें इस पीएनबी स्थान रखता है और पीएनबी की स्थापना 1894 में की गई थी। तो आगे आते हैं बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यदि आपको जो है ऑनलाइन जो है क्लास चाहिए तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से इन्फो शिक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और मेरे इस नंबर पे 9654481833 पर कॉल कीजिए। इसके बाद मैं ऐप से जोड़ दूंगा। और बैच का टाइमिंग है सुबह 6 से 8 बजे मॉर्निंग, ठीक है एएम, और फीस मात्र 299 रुपये पर मंथ है, ठीक है। और जिसमें आप पढ़ सकते हैं मैथ, रीजनिंग और जीएस। जीएस में अभी जियोग्राफी चल रहा है तो आप इसको जो है ज्वाइन करना हो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आज का। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि भारत 1 जनवरी 2023 को वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता संभालेगा। अब ये वासेनार अरेंजमेंट, ठीक है, ये यहां पे देखिए वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता भारत 1 वर्ष के लिए करेगा, यानी कि 2023 के लिए भारत इसकी अध्यक्षता को जो है कर रहा है। वासेनार व्यवस्था के माध्यम से सदस्य देश हथियारों के स्थानांतरण पर सूचना का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि पूरा जो है इसमें मशवरा तय किया जाता है कि जैविक हथियार हो गए, केमिकल वेपन्स हो गए, तो इनका जो है सूचना आदान प्रदान की जाती है। और वासेनार अरेंजमेंट में कुल कितने देश हैं दोस्तों, ये 42 देश शामिल हैं और 42वां देश जो है भारत जो है। भारत को जो है 7 दिसंबर 2017 से 42वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, विश्व बैंक के अनुसार 2022 में रेमिटेंस के रूप में रिकॉर्ड $100 अरब से अधिक प्राप्त करेगा। तो ये रेमिटेंस जो है होता क्या है दोस्तों, रेमिटेंस का मतलब होता है हिंदी इसका मीनिंग है प्रेषण। तो प्रेषण का मतलब क्या है, प्रेषण मतलब देखिए दोस्तों ये $100 अरब जो से अधिक प्राप्त करेगा और ये जो है रेमिटेंस फ्लो मामले में ये इंडिया जो है चीन, मेक्सिको, फिलीपींस से आगे निकल जाएगा परसेंटेज के मामले में, प्रतिशत के मामले में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है अब इंडिया जो है ये प्राप्त करेगा। रेमिटेंस होता क्या है, जैसे जो इंडिया के जो है निवासी जो है अमेरिका, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, मतलब बाहर जो रह रहे हैं तो ये बाहर से कमा के जो है इंडिया में पैसा भेजते हैं और ये पैसा जो है जीडीपी जो है ग्रोथ को जो है जीडीपी को जो है हिस्सेदारी को बढ़ा देता है। तो रेमिटेंस यही है, रेमिटेंस का मतलब जो विदेश से जो पैसा आगमन होता है वो चीज है। अब आज के जो है करंट अफेयर्स का जो है अंतिम पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।